वाजपेयी संबोधित कर रहे हैं। चीरहरण ऑपरेशन के दो पहलुओं की पोल खुल गई है। राजस्थान में कांग्रेस के विधायकों की खरीद फरोख्त में भाजपाई सांठगांठ का कल दो जो कथित ऑडियो आए थे और उसके बाद में राजस्थान की एसओजी टीम जो एफआईआर लॉज हुई थी उस पर वही सैंपल लेने के लिए माननीय विधायक भंवरलाल जी शर्मा और माननीय विधायक विश्वेंद्र सिंह जी के वही सैंपल लेने के लिए जहां उनकी सूचना थी मानेसर में एक होटल में वहां पर गई थी। वहां पर जिस प्रकार का खेल हुआ पूरी मीडिया के सामने पूरे देश के सामने आ चुका है। राजस्थान की एसओजी पुलिस को हरियाणा की भाजपा सरकार की पुलिस के द्वारा रोका गया और रोकने के दौरान जब तक रोके रखा जब तक उन वहां पर ठहरे हुए विधायकों को वहां से चोर रास्ते से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं कर दिया गया। ये जो कृत्य है ये संविधान के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है। एसओजी एक ऐसी संस्था है जो कहीं भी अपराधियों को पकड़ने के लिए जा सकती है। अगर कोई अपराध करके दूसरे स्टेट में चला जाएगा और अगर वहाँ पर वहाँ की पुलिस सहयोग नहीं करेगी, वहाँ की सरकार उसको रोकने का काम करेगी, तो मैं समझता हूँ इस देश में कानून राज नहीं रहेगा और अराजकता का माहौल हो जाएगा। देश के कानून को तोड़ने और संविधान को रौंदने का यह शायद पहला और अजीब वो गरीब वाकया और उदाहरण हमारे सामने है, मैं समझता हूँ। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व विधायकों की खरीद फरोख्त की बात एक तरीके से स्वीकार कर रहा है। समित पात्रा जी ये कह रहे हैं कि हाँ हम चोरी की, हमने डकैती की, लेकिन आपने कैमरे की में कैद कैसे कर लिया। आज वो 19 विधायक एक भी ये नहीं कह रहा है कि हमारी बात टेप हुई है। भंवरलाल जी या विश्वेंद्र सिंह जी नहीं कह रहे हैं कि हमारी बात को टेप किया गया है। बहुत ही आश्चर्य की बात है कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व दिल्ली में बैठकर के पीसी करता है और जो समित पात्रा जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं उस तरीके का झूठ पे झूठ बुलाने का काम करता है और एक असफल प्रयास किया जाता है अपने आप को बचाने का। मैं समझता हूँ ये जो चोरी की है प्रजातंत्र की, जो डाका किया है, वो पर्दाफाश इनका हो चुका है। राजस्थान की पुलिस एसओजी अपना काम करेगी। हम सब माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री से और भाजपा नेतृत्व से सवाल करते हैं कि अगर भाजपा कांग्रेस विधायकों की खरीद फरोख्त में शामिल नहीं है तो हरियाणा रिसोर्ट में भाजपा की सरकार के द्वारा हरियाणा पुलिस लगा करके एसओजी को क्यों रोका गया। भाजपा सरकार हरियाणा पुलिस राजस्थान के विधायकों को चोर दरवाजे से निकलने के लिए किस प्रकार से पुलिस को रोक करके उन्होंने ये कुकृत्य किया है। यदि दोषी व्यक्ति प्रदेश की सीमा पार कर दूसरे प्रदेश में चला जाए तो क्या संविधान और कानून के मुताबिक उस प्रदेश की सरकार को पुलिस की मदद नहीं करनी चाहिए थी क्या? अगर ऐसा नहीं होगा तो एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि विदेशों से अपराधियों को जो भाग गए हैं भगोड़े हैं माल्या नीरव मोदी उनको लाएंगे और दूसरी तरफ हमारे यहाँ की एसओजी जाती है स्टेट से सटा हुआ प्रदेश है वहाँ पर वो पुलिस रोक करके उन लोगों को वहाँ से चोर दरवाजे से निकालने का काम करती है। क्या ये संविधानिक है? क्या ये सही है? हम पूछना चाहते हैं क्या सचिन पायलट जी वो उनके साथी कांग्रेस विधायक बताएंगे कि अपने खुद के प्रदेश
राजस्थान की पुलिस के ऊपर उनको क्यों भरोसा नहीं है, उनको हरियाणा की भाजपा की सरकार की जो पुलिस है उसके ऊपर कैसे भरोसा है। खट्टर सरकार द्वारा पुलिस का जो सुरक्षा चक्र भाजपा के विधायकों तक को नहीं दिया जाता, वो कांग्रेस के विधायकों पर विशेष कृपा क्यों की जा रही है, मैं समझता हूँ ये जवाब केंद्रीय नेतृत्व को देने चाहिए। मैं अगली बात कहना चाहता हूँ कि भाजपा का केंद्रीय पत्रकार वार्ता इस बात का सीधा सबूत है कि खरीद फरोख्त तो हुई, रंगे हाथों चोरी करते पकड़े जाने पर एतराज है, क्या उनकी सफाई उनके मन के चोर को प्रदर्शित नहीं करती है, क्या ये सही नहीं है कि असल में भाजपा फोन टैपिंग और जासूसी की एक्सपर्ट है और अब जनादेश चोरी करते पकड़े जाने पर निराधार इल्जाम लगा रही है, क्या ये सब इसलिए किया जा रहा है कि भाजपाई विधायक खरीद फरोख्त प्रकरण की आंच अब केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंच गई है। हमारे राजस्थान की विधानसभा में माननीय विधायक विश्वेंद्र सिंह जी ने भाजपा के ऊपर राजेंद्र जी राठौड़ के ऊपर आरोप लगाए थे कि आपकी सरकार हमारे फोन टेप कर रही है, क्या जवाब दिया था उन्होंने आप बताइए। और कई ऐसे उदाहरण हैं कि इसमें महारता हासिल है इस भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी की सरकार को कि किस प्रकार से तोड़फोड़ करनी है, प्रजातंत्रिक रूप से चुनी हुई सरकारों को किस प्रकार से गराना है और उसके बाद में पीसी करके झूठ पे झूठ बोल करके उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत चरितार्थ करते रहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, हमारे मंत्री महोदय भी बोलेंगे बताएंगे, उसके बाद में आप जो कहेंगे वो सवालों के जवाब भी लेंगे, लेकिन किस प्रकार का वाक्या मैंने कल एक न्यूज़ चैनल के ऊपर पहले ही कह दिया था कि जब SOG की टीम गई थी कि ये इसलिए रोक के रखे हैं कि चोर दरवाजे से इनको भगाएंगे और उसके बाद में उस होटल में प्रवेश की अनुमति हरियाणा की भाजपा सरकार की पुलिस देगी, और यही हुआ कि वहाँ से उनको पार करने के बाद में वहाँ पर परमिशन दी गई और SOG को वहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ा। देखिए अब साफ साफ तय हो गया है और अब तो जवाब देना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी को और अमित शाह जी को। देश जानना चाहता है, राजस्थान के सीनियर कांग्रेस लीडर, देश के सीनियर कांग्रेस लीडर और 3 बार के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी ने बहुत बड़ी बात कही है और चुनौती है मुझे, मेरी तरफ से केंद्र के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद ने कहा, बड़ी बात होती है राज्य का एक मुख्यमंत्री चुनौती दे रहा है, चैलेंज कर रहा है कि यदि ऑडियो गलत साबित हो गए और जो ये कह रहे हैं ऑडियो हमने तैयार किए हैं तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। क्या इतनी हिम्मत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी में, केंद्र सरकार की BJP में है कि वो सामने आकर कहे कि यदि ऑडियो सही साबित हो गए तो हम इस्तीफा दे देंगे। ये देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, इस लड़ाई को 2 व्यक्तियों के बीच में लाकर जो छेड़ने की कोशिश वो गलत है। अशोक गहलोत जी ने मुद्दा उठाया है देश के लोकतंत्र को बचाने का, उन्होंने ये कहा है कि सरकारें बनती रही है बिगड़ती रही है लेकिन एक पहली बार ऐसा हुआ है और आज तो अखबारों के एडिटोरियल है, बहुत बड़े पत्रकार ने लिखा है मछली मार्केट बन गए और एक कुर्सी मिल जाए तो दूसरी मुझे क्यों नहीं मिली। आप पार्टी के फ्रंट पर खड़े होकर और आवाज उठाते पूरा देश ये देखता कि ये नौजवान लीडरशिप है जो अपने मन से अपनी ताकत से लड़ती है, हम हाथ के निशान पर जीत कर आए। सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी ने जो संदेश दिया कांग्रेस की विचारधारा और नीति पर चुनाव हुआ, जिस BJP को हराया, आज BJP के घर में झगड़ा चल रहा है। झगड़ा इस बात का है, आप खुद जानते हैं कि पहली बार मैंने ऐसा देखा है जब गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़ जैसे सीनियर लीडर अब गजेंद्र सिंह जी शेखावत के प्रवक्ता बनकर यहां पर बोल रहे हैं। हालात देखिए, अब वक्त बदल गया है। और तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, काबा लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण, ये तय बात है कि आप वक्त बड़ा है लेकिन इस वक्त में कोई ये समझे कि केंद्र की सरकार हमारे पास है, सत्ता हमारे पास है,
हम पुलिस के दम पर, केंद्र की सरकार की ताकत के दम पर, पैसे के दम पर, कहां से आया इतना पैसा बीजेपी के पास? इसका कारण नोटबंदी में घोटाला हुआ, कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया था 68,000 करोड़ का घोटाला हुआ, नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी के कर्जे माफ हो गए, दुनिया जानती है। तब निर्मला सीतारमन जी ने कहा था, गुस्से में आकर कहा था कि ये तो सिर्फ शब्दों का हेर फेर है, कोई शब्दों का हेर फेर नहीं है। मध्य प्रदेश में सबने देखा, खुलेआम तोड़फोड़ हुई, खुलेआम विधायकों की खरीद फरोख्त हुई। आज हमारे जो बागी लोग चले गए, फर्स्ट डे वो ये बयान देते हैं, अल्पमत में है सरकार, हमारे पास 30 विधायक हैं। मुझे दुख इस बात का है कि यदि पायलट साहब यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उप मुख्यमंत्री पद, दो पद, और प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस आप जानते हो संगठन के कारण जानी जाती है, हमारे यहाँ पे अध्यक्ष के पद के मायने होते हैं, बार बार चीफ मिनिस्टर ने ये कहा, और मैं आज आपसे कह रहा हूं हम मर सकते हैं, लेकिन जिस हाथ के निशान से जीत कर आए, जिस बीजेपी को हराया, आज उस बीजेपी के साथ मिलकर राजस्थान और देश की जनता के साथ धोखा नहीं कर सकते। कौन है ये भंवरलाल शर्मा? ये भंवरलाल शर्मा वही है जिन्होंने भैरव सिंह जी शेखावत की सरकार को तब गिरा रहे थे जब वो हार्ट का ऑपरेशन कराने के लिए क्लीवलैंड गए हुए थे, और जब वो वहां गए हुए थे वापस आए, मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष था, किसी पार्टी में नहीं था, तब मैंने ये सतीश पूनिया जी जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं मैं बयान गंभीरता से नहीं लेता, तब भी इन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी में मुझे गंभीरता से नहीं लिया था, और ये चुनाव हार गए थे मेरे सामने। तो बड़ी बातें करना, झूठ बोलना, आप मुझे ये बता दो कहां है वसुंधरा जी, क्यों नहीं है वसुंधरा जी, इनकी मीटिंग में क्यों नहीं आती, क्यों बोल रहे हैं कैलाश मेघवाल, कौन है कैलाश मेघवाल? विधानसभा के अध्यक्ष हैं, नियम कायदे कानून को समझते हैं, वो जानते हैं इस तरह से सरकार नहीं गिराई जा सकती, सदस्यता चली जाएगी। आपने पूरी पार्टी को कहां है, नीतियों, सिद्धांतों और कार्यों की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, कहां आरएसएस का नीति सिद्धांत कार्य यही है कि चुनी हुई सरकारों को गिरा दें, नोट लेकर बैठे हैं, खुलेआम नोटों की बोली लग रही है। आप कह रहे हो बाड़ेबंदी, बाड़ेबंदी कांग्रेस की नहीं है, बाड़ेबंदी अब जो लोग हमारे विधायक गए वो अब बीजेपी के पेरोल पर हैं, आज तक एक बयान नहीं आया। रोज अशोक गहलोत सामने आते हैं, रणदीप सुरजेवाला सामने आते हैं, अविनाश पांडे सामने आते हैं, गोविंद सिंह डोटासरा, रघु शर्मा सामने आते हैं, हर आदमी कांग्रेस का सामने आता है, जो बागी है वो सामने क्यों नहीं आते? उनकी जगह सामने आती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी स्क्रिप्ट लिखी है, पूरी कहानी लिखी है, सब जवाब बीजेपी को देना है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा झूठ का जनरेटर है संबित पात्रा, खुद सुबह कह रहे हैं कि साहब ये तो ठीक है कि इन्होंने ये बता दे फोन टेपिंग कैसे हुई। अरे भाई साहब ये पूछ रहे हो फोन टेपिंग कैसे हुई, वो मान रहे हैं कि ये सब कुछ तो हुआ है, अरे तुम तो ये बताओ ये हॉर्स ट्रेडिंग कैसे हुई, ये मान रहे हैं वो ऑडियो सही है तो बयान दे दे, ऑडियो की जांच करा ले, सच्चाई सामने आ जाएगी। अशोक गहलोत जी ने इतनी बड़ी बात कही है, ये कल हम लोग बात कर रहे थे आपस में, मैं, रघु शर्मा जी, सब लोग, अशोक गहलोत जी ने जो इतना बड़ा बयान दिया कि मैं संन्यास ले लूंगा उसके बाद कुछ बच गया, सामने आओ, सामने आकर बोलो, राजस्थान की जनता को फेस करो। आफ्टर ऑल ये निर्णय सिर्फ कांग्रेस बीजेपी पर लागू नहीं होगा, ये राजस्थान की जनता की वोट से चुनी हुई सरकार को आप नोटों से गिराना चाहते हो। तो जनता आज पूछ रही है, एडिटोरियल आ रहे हैं कि आखिर नोटों के दम पर हमारे वोट को क्यों तोला जा रहा है, हमारे साथ धोखा क्यों किया जा रहा है। हम अंतिम दम तक लड़ेंगे, आज हमारे पास नंबर गेम है, बहुमत है, इसीलिए तो आज बीजेपी बैक फुट पर है। यदि सरकार अलर्ट नहीं होती राज्यसभा चुनाव के समय, हिंदुस्तान के मीडिया ने क्या कहा, आप सब लोग क्या चर्चा कर रहे थे, ये सिर्फ नाटक है, ये तो ऐसे वैसे जो स्क्रिप्ट लिख दी, बहुत पहले से सारा काम चल रहा था, आप सबके समझ में आ गया, और बीजेपी तय करेगी कब किसको क्या बोल रहा है। यहाँ पे जो अंदर है एक एक एमएलए का फोन चालू है, उनके फोन चालू क्यों नहीं है, उनके फोन किसके पास है, किसने बंद कराए? कल जब वहां पे एसओजी की टीम गई 1.5 घंटे तक बाहर रोके रखा, आपने दूसरी जगह उनको शिफ्ट कर दिया। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप हर राज्य में है, और कोई वहां पे स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यहां आएगा, उनका अधिकार है जांच करने का, वॉइस सैंपल लेने का, वॉइस सैंपल नहीं देंगे। कल जैसे ही आए ऑडियो वगैरह,
उसके बाद जबान चुप हो गई बहुतों की, ट्विटर की राजनीति कम कर दी, सबके समझ में आ गया कि उल्टा पड़ रहा है। और अभी तो बहुत कुछ, कोई गलत फहमी में नहीं रहे, अभी भी कांग्रेस के जो विधायक निलंबन सबका नहीं हुआ, कहीं निलंबन दो का हुआ है, बाकियों से मैं कहूंगा अभी भी आ जाएं, जनता उनको यहां पर कांग्रेस के मंच पर देखना चाहती है। आज वो वहां छुपकर बैठे, उनके फोन बंद है, बीजेपी वाले यदि जबरन कर रहे हैं तो वीडियो डाले, उनके क्षेत्र की जनता उनकी इंतजारी कर रही है। जनता उनको माला तो तब पहनाएगी जब वो कांग्रेस के बनकर जाएंगे, और यदि बीजेपी के बनकर जाएंगे, कांग्रेस के साथ धोखा करके जाएंगे, तो कांग्रेस का कार्यकर्ता और 35 करोड़ में बिके हुए विधायक की चर्चा पूरे राजस्थान में होगी तो वो जनता माफ नहीं करेगी। मैं आज आपसे कह सकता हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस वक्त सच्चाई, ईमानदारी, शक्ति, भक्ति और संघर्ष हमारे साथ है, राजस्थान की जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है, और मैं आज कह रहा हूं डेस्टिनी हमारे साथ है, वो सुदर्शन चक्रवाला हमारे साथ है, जीत हमारी है 100%। बीजेपी के घुटने टिकेंगे और पूरा हिंदुस्तान देखेगा कि बीजेपी ने जो पाप मध्य प्रदेश में किया, उस पाप का घड़ा राजस्थान में फूटा। राजस्थान हाईकोर्ट में कौन पैरवी कर रहा है, मुकुल रोहतगी कौन है, हरीश सालवे कौन है, कौन नहीं जानता। ये वकील तो कम से कम कांग्रेस विचारधारा के ढूंढ लेते हैं, ये लोग ये साबित कर रहा है एक के बाद एक कड़ी के रूप में। आप एक तरफ, जब हम यहाँ आ रहे सारे लोग होटल में, धर्मेंद्र सिंह राठौड़ पे, राजीव अरोड़ा पे, जो मुख्यमंत्री जी के नज़दीक हैं, इनकम टैक्स के छापे डाल के क्या सिद्ध करना चाहते हो? ये जो संस्थाएं संवैधानिक हैं, इनकम टैक्स है, CBI है, ED है, आज इनका जिस तरह से दुरुपयोग भेजा कर रही है बीजेपी, ये जग जाहिर है, कोई डरने वाला नहीं है इन चीज़ों से। इन संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा को इन्होंने तार तार कर दिया, और जो ITC होटल मानेसर है वो तो स्थायी अड्डा बन गया तख्ता पलटने के लिए। याद करिए, आप मध्य प्रदेश के जो 22 विधायक आए थे वो भी उसी मानेसर की ITC होटल में थे, बाद में उनको कर्नाटक ले जाया गया और वही होटल है आज, वही राजस्थान के विधायकों को रखा गया। कल SOG की टीम गई, बाद में उनको शिफ्ट किया गया है, जो 3 निर्दलीय विधायक हैं उनको तो हैंडल कर रही है बीजेपी डायरेक्टली, और यह हरियाणा सरकार, खट्टर सरकार जो बीजेपी की सरकार है, वो कांग्रेस के 19 विधायकों को हैंडल कर रही है। ये कितना भी जोर लगा लो, यहाँ मेजोरिटी प्रूव करेंगे फ्लोर के ऊपर, लेकिन जो बेईमान है, क्योंकि इनके माता पिता हमको फ़ोन कर रहे हैं कि हमारे बच्चे को कैद कर रखा है, किसी की पत्नी फ़ोन कर रही है कि मेरे पति को कैद कर रखा है, अगर हिम्मत है, लोकतंत्र में भरोसा है तो खुला कर दो इनको। ये बार बार कह रहे हैं कि ITC यहाँ पे, ये जो होटल है हमारी फेयर माउंट, इससे जैसे ही विधायकों को खुला करेंगे हमारे बाड़े में आ जाएंगे। आपको चुनौती है मेरी, आप अपने 19 विधायकों को फ्री कर दो, उनमें से कितने इधर कांग्रेस कैंप में छटपटा रहे हैं वापस आने के लिए। आज उनको मालूम है मेरे क्षेत्र में जाऊंगा और मुझे क्षेत्र की जनता ही इस रूप में देखेगी कि मेरा विधायक 35 करोड़ में बिका हुआ है, वो कौन सी इमेज लेके जाएंगे। ये लोकतंत्र में चलेगा नहीं, भारतीय जनता पार्टी का खरीद फरोख्त का खेल अब बीजेपी बेनकाब हो गई है। और हम तो आज कहना चाहते हैं कि लोकतंत्र को जिंदा रखने की लड़ाई कांग्रेस लड़ेगी, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में लड़ेगी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लड़ेगी। लोकतंत्र को इतना नंगा नहीं होने दिया जाएगा देश के अंदर। और दूसरी बार सत्ता में आने से इतना घमंड इनमें आ गया है कि जो चाहेंगे जो करेंगे, चाहेंगे तो ED, चाहेंगे तो इनकम टैक्स, चाहेंगे तो CBI, चाहेंगे तो सरकार का तख्ता पलट, पैसा जितना हो। आज एक बीजेपी के नेता के CBI ने छापा मारा हो, इनकम टैक्स ने छापा मारा हो, ED गई हो किसी के, उदाहरण बताए बीजेपी, एक एग्जाम्पल नहीं है। एक एक करके चुन चुन के जो भी विरोधी हैं, जो कांग्रेसी हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है, ये ज़्यादा समय तक चलने वाला नहीं है। जी आप कह रहे हैं, एक तो कुछ लोगों को आपने नोटिस किया है, किया है,
109 है। हम तो आए ना, यही तो बैठे हैं ना, उनमें से 19 में से किसी ने पीसी की है क्या? सचिन पायलट जी ने पीसी की है क्या? समित पात्रा पीसी कर रहा है, हम तो पीसी रोजाना कर रहे हैं। कल चेतन डूडी बैठे थे, दानिश बैठे थे, मंत्री जी आए हैं, माननीय मंत्री महोदय हैं। आप कहो जिसकी पीसी करवा दे, कहाँ दिक्कत है? उनको कहिए ना, आप उनको कहिए 150 पुलिस वालों ने रोक करके उनको चोर दरवाजे से भगाने के बाद में उनको अनुमति दी गई है। आप बताइए, नंबर्स पूर्ण बहुमत है, पूर्ण बहुमत है, पूर्ण बहुमत 200 में से कितने का पूर्ण बहुमत है वो हमारी सरकार के पास में है। 35 करोड़ वाले कौन से बताएगा? तो समित पात्रा जी को, बीजेपी के केंद्रीय मंत्री जी को, या उनको पूछो। हमारे पास पैसे होते तो आज ये नौबत आती क्या? इनकी हिम्मत तो पड़ जाती क्या? तो जो पैसे दे रहे हैं उनसे पूछो भाई कि 35-35 दे रहे हैं, 50-50 दे रहे हैं, 25-25 दे रहे हैं। हमारे पास न देने के लिए न लेने के लिए। गोविंद जी, भाजपा ने आपके खिलाफ एफआईआर करा दी अशोकनगर थाने में, प्रवक्ता ने कराई है, वो तो एफआईआर करा रहे हैं। कहाँ दिक्कत है? पुलिस का फोन आएगा, मैं चला जाऊंगा और गजेंद्र सिंह जी से भी आग्रह करूंगा कि वो भी आ जाए, दोनों साथ साथ में बयान दे देंगे। जिनके खिलाफ अपराध साबित होंगे उसको अंदर चले जाएंगे, और जिसके खिलाफ अपराध साबित नहीं होगा वो अपने घर चला जाएगा। लिखा है कि पानी की गंगा बहनी चाहिए, तो वो तो भ्रष्टाचार की गंगा बह रहे हैं। आप बताइए, केंद्रीय मंत्री, जल संसाधन मंत्री, पानी की राजस्थान में कमी, जोधपुर संभाग में भी कमी, हमारे शेखावाटी संभाग में कमी, सब जगह। और उनको पानी के प्रोजेक्ट लाने के लिए, प्यास बुझाने के लिए भेजा था, और ये भ्रष्टाचार की गंगा बगा रहे हैं कि आपको अलग, इनको अलग, सूची अलग। तो आप बताइए किसको जल्दी है मुख्यमंत्री बनने की, किसको जलती है? जनता ने इतनी बड़ी गलती की है, वो पछता रही है कि जिसको हमने केंद्र में मंत्री बना करके राजस्थान की समस्याएं सुलझाने के लिए भेजा था, हमारी पीड़ा हरने के लिए भेजा था, वो आज भ्रष्टाचार के गंगा बह रहे हैं। क्या गोविंद जी, आपको लगता है कि राज्यसभा चुनाव के समय सचिन पायलट के साजिश का आप लोग खुलासा कर देते तो ये दिन नहीं देखने को मिलता? देखिए, कोई किसी के बारे में ये नहीं कह सकता कब क्या होगा, पुलिस अपना काम करती है, लेकिन जो स्थितियां बनी हैं वो अब सबके सामने हैं। राज्यसभा में भी अटेम्प्ट हुए थे, आप लोग क्यों चुप रहे? चुप कहाँ रहे थे, सारे के सारे अंदर बैठे थे। तो हम किसी पे आज अंदर बैठे हैं, उन पे हम किसी पे कैसे शक कर सकते हैं? हमारे सिंबल के ऊपर जीत के आए निर्दलीय, जो हमें सीधा सपोर्ट कर रहे हैं, लिख करके विधानसभा अध्यक्ष को दे रखा है कि हम इनको समर्थन दे रहे हैं, हमारी संबद्धता ले रखी है, उन पे हम क्यों शक करते? जब वो गायब हो गए तब बात आई। और अगर आते हैं बड़ी मात्रा में पैसा लेने के बाद जेल जाएंगे या होटल में उनको बुलाएंगे आप? देखो, जेल जाएंगे या क्या होगा ये तो करती है पुलिस, वो तो इन्वेस्टिगेशन से तय होता है। और अगर वो जवाब दे करके, पार्टी का जो नोटिस गया है स्पीकर का, उसको जवाब देंगे, उसके बारे में फैसला स्पीकर महोदय करेंगे। अगर वो पार्टी में आते हैं और अपनी भूल को स्वीकार करते हैं तो निश्चित रूप से सोचा जा सकता है। मैं कह रहा हूँ, मैं पार्टी अध्यक्ष के नाते कह रहा हूँ, अगर वो आज भी पार्टी के सिंबल के ऊपर जीते हुए हैं, आज भी पार्टी ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है, निश्चित रूप से अगर वो आते हैं तो निश्चित रूप से उसके प्रति सहानुभूति रखेगी पार्टी। लेकिन वो आए तो सही, बीजेपी की कैद से बाहर तो निकले। वो तो एसओजी बताएगी, वो तो एसओजी बताएगी ना, एफआईआर लो जी, उसमें 2 MLA के नाम है। जब 2 MLA के नाम है तो 2 MLA की बात कर पाएंगे हम? तो एफआईआर के आधार पे ही तो बात करेंगे हम, हमारे दिमाग से काम नहीं करते। और टेप आने वाले हैं क्या कुछ? अब आप देख रहे हो ना, इतना बड़ा स्कैंडल बीजेपी ने किया है, सत्ता परिवर्तन, 30-30 आदमियों को इस्तीफे दिलाने की बात, सरकार बना करके 3.5 साल सरकार चलाने की बात, तो बड़ा गेम हुआ, तो बड़े खुलासे तो हो ही सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत? बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए राजस्थान में, क्योंकि 2 बार जो मर्जर हुआ है BSP का कांग्रेस के साथ में, वो असंवैधानिक है। उनके कहने से होता है कि असंवैधानिक? आप देखिए ना, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में असंवैधानिक तो वो था, यहाँ तो पूरी पार्टी मर्ज हुई है, जो भारतीय संविधान में कानून में है उसके मुताबिक हुई है। सर, कल एक बयान सामने आया था सीएम का, सीएम सर का, कि
जब से सरकार बनी है उसके बाद से सचिन पायलट जी के साथ 18 महीने हुए, बातचीत नहीं हुई थी आपस में, अच्छे से कोऑर्डिनेशन नहीं बना था। मुख्यमंत्री जी क्या बयान देंगे, मुख्यमंत्री जी खुद सक्षम है बताने के लिए। लेकिन सर एक मेरा कोई बयान हो तो मेरे से सवाल कर सकते हैं। होटल में बैठ के कब तक राजस्थान को सरकार को चलाएंगे? जब तक भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व हमारे प्रजातांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को जो गिराना चाहता है, षड्यंत्र कर रखा है, उस षड्यंत्र का पर्दाफाश होकर के जनता की चुनी हुई सरकार वापस पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं हो जाए तब तक हम यहाँ। छोटेसरा जी, संविधान ने कहा है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की पालना नहीं हुई ऑडियो रिकॉर्डिंग में, और वो कह रहे हैं कि इमरजेंसी जैसे हालात राजस्थान में। तो आप गजेंद्र सिंह जी को उनको कहिए ना, भेजिए एसओ जी को, बता देंगे कि भाई आपने कौन से नियमों की पालना नहीं की। अगर नियमों की पालना नहीं की तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। फोन टैपिंग की आप बात कर रहे हैं, आपने कहा भाजपा गवर्नमेंट में फोन टैपिंग हुई थी, तो वही राठौड़ अधिकारी भाजपा गवर्नमेंट में थे और अब आगे तो वसुंधरा और अशोक गहलोत जी मिले हुए हैं क्या? वही राठौड़ जी यहाँ पे क्या बात पूछना चाह रहे हैं आप? थोड़ा तो गुस्से में मत हो ना, आप ऐसे गुस्से में क्यों रहे? मैं बताऊंगा आपके, जवाब दूंगा आप आराम से, तसल्ली से हंसते हुए पानी पी के। छोटा सवाल है, एसीएस होम ये कह रहे हैं रोहित सिंह कि मुझे कोई जानकारी नहीं है फोन टैपिंग। एसओ जी कार्रवाई करती है, वो सारी चीज प्रमुख शासन सचिव को पता है कि नहीं है, उससे हमारा क्या लेना देना? आप बताइए किसने किए फिर क्या? नहीं सर, अब आपके चैनलों पे चले अब वो तो एसओ जी जांच करेगी कि किसने कहां से आए कहां से नहीं आए। वो कह रहे हैं समीप पात्रा ने जो पीसी करी थी लोकेंद्र शर्मा के, उन्होंने उनका तर्क है बीजेपी का तर्क है, वो कह रहे हैं पूरे मामले को सीबीआई में ले जाना चाहिए। उन्होंने अपनी एफआईआर दे दी, हमने हमारी एफआईआर दे दी, गजेंद्र सिंह जी आए मैं भी चलूंगा और थाने में हम सब चलेंगे, जिसके खिलाफ जो आरोप प्रमाणित होते हैं उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, नहीं प्रमाणित होते हैं तो बाकायदा घर आ जाएंगे। सर मेरी अब मेरी बात आराम से, आराम से। एसजी के एडीजी हैं अशोक राव, वसुंधरा गवर्नमेंट में भी वो एक्टिव थे, अब आते उनके आते सरकारी अधिकारी अधिकारी होता है भाई, वसुंधरा गवर्नमेंट अधिकारी। आप सरकार बीजेपी की तब पत्रकारिता नहीं करते थे कि आज भी करते हो, पहले भी करते थे? तो हर आदमी अपना अपना काम तो करेगा ना, वो नौकर नौकरी करेगा, आप पत्रकार हो पत्रकारिता करेंगे। आपके सवाल भी आ रहा हूं, आप एक मिनट बनवारी जी, कैसे कैसे हॉर्सशिप ट्रेडिंग की भी आप उनको क्यों रखना चाहते हैं? मैं कम कह रहा हूं, आज निकाला नहीं ना, कार्रवाई नहीं की ना, कार्रवाई करेंगे हम, बुला रहे हैं, क्यों नहीं होगी? अगर कांग्रेस के सिंबल पे जीता हुआ व्यक्ति अगर भारतीय जनता पार्टी की मदद करता है, पार्टी के खिलाफ जाता है, तो 101% कार्रवाई होगी। आप लोग जो यहाँ पे रह रही हैं, 5-star फैसिलिटीज एंजॉय कर रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, सबका खर्चा कौन वहन कर रहा है? हम सक्षम है, हम सक्षम है, सब एमएलए सक्षम है, एमएलए दे रहे कांग्रेस, सब एमएलए सक्षम है, कमजोर को नहीं। ये सवाल वहाँ भी पूछ लो, जरा वहाँ पूछ लो कि वो किसकी मेजबानी में है, उसके बिल कौन दे रही है? बिल्कुल वो बहुत रुके हुए तो है भाई, सच्चाई तो है, गलती स्वीकार करने को तैयार हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो हम कांग्रेस के लिए नहीं पा रहे। डोटासरा जी, अरुण जी का जो सवाल था उसी में मैं एक ऐड कर रहा हूँ कि क्या राजस्थान सरकार होटल से चल के फील्ड पे भी आएगी, क्योंकि टिड्डी दल जो है वो भी लगातार आ रहा है, और सर आपसे भी सवाल है कि कोरोना की संख्या जो है वो इंक्रीज हुई, रोज ब्रीफिंग कर रहा हूँ, मैंने परसों भी ब्रीफिंग की है। सुनिए मेरी बात, मैं बताता हूँ, अगर प्रजातांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को कोई षड्यंत्र करके गिरा रहा है तो उससे टीडी का कोरोना का मुकाबला करने के लिए स्टेबल सरकार को चलने देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो उसके षड्यंत्र का पर्दाफाश करने के लिए अगर कहीं रुकना पड़ रहा है तो रुक रहे हैं, और सरकार यहाँ से भी चल रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी रोजाना वीसी ले रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, हम हमारी फाइलें मंगा रहे हैं, काम कर रहे हैं, अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं, हम कोई पद से हट थोड़ी गए ना, आप बताइए, आप ये बताइए हट थोड़ी गई है ना? देश सरकार में अपना काम कर रही है। नहीं नहीं, राजस्थान के अलावा कोरोना खत्म हो गया क्या देश में? 10 लाख के ऊपर केसेज हो गए, ये सरकारें तो कोरोना के काल में बदली जा रही है, विधायक तो खरीद रहे हैं, ये कोरोना काल में विधायक खरीद रहे हैं, सरकारें गिरा रहे हैं, उनको चिंता नहीं है, हम लोग तो यहाँ ब्रीफिंग। गोविंद जी, आप दो पूछ चुके हैं, उनको पूछ, एक मिनट भाई, कोई नोटिस नहीं है, एक देखिए
चार महीने से पूरे देश में ईडी और इनकम टैक्स की कार्रवाई स्थगित की हुई है क्योंकि कोरोना है, और जो व्यक्ति 100-100 व्यक्तियों को फोर्स को लेकर के जिसके घर में जाता है, क्या वो कोरोना नेगेटिव का सर्टिफिकेट दिखा के जाता है, या जिसके घर में जाता है वहाँ कोरोना कोई पॉजिटिव नहीं हो सकता क्या? तो जो चीज़ बंद है आज चार महीने में बता दीजिए देश में किसी भी व्यक्ति के अगर इनकम टैक्स ने और ईडी ने छापा डाला हो। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है और एक भी यहाँ के अधिकारी को नहीं लिया गया, CRPF को लिया गया। क्या यहाँ की पुलिस इतनी बदनाम और बेकार है? आज तक जितने छापे पड़े हैं राजस्थान की पुलिस का सहयोग लिया गया, ये पहली बार है कि केंद्र से CRPF को साथ लेकर के आए। सारे लोग कहेंगे, 8 करोड़ जनता भी कहेगी, और जिसमें स्वाभिमान है, जो ईमानदार है, जो खुददार है, वो हर प्रत्येक नागरिक चाहे वो विधायक हो वो यही कहेगा। और आप देखना धीरे धीरे होता है क्या, ये सारे तकरीबन भारतीय जनता पार्टी के लोग कहने लग जाएंगे, या तो मुख्यमंत्री बनने वाले दिल्ली में बैठे हैं वो नहीं कहेंगे, या ये जो तीन अध्यक्ष जी गुलाब जी और राजेंद्र जी राठौड़, ये तीन नहीं कहेंगे क्योंकि वो उनके प्रवक्ता बने हुए। सर पिछली वसुंधरा सरकार ने आप देख रहे थे PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा।